कि जो आज चौथा T20 जीते हैं आपको, आज हमने गोड मान लिया है क्रिकेट का, हमने गोड आपको मान लिया, इंडिया गोड ऑफ क्रिकेट का है इस टाइम, आप माने। अब रिंकू सिंह ने घुमा घुमा के छक्के मारे। गायकवाल रिंकू सिंह ना दे नाम भूल जाने ने परफॉर्मेंस नहीं भूलती यार, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल यार। बॉलिंग में फिर अक्षर पटेल और वो बिश्नोई है यार, क्या बन रहे हैं यार, क्या बन रहे हैं। इंडिया के आगे अब कोई भी टीम खड़ी हो जाए, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान, कोई भी हो, इंडिया को मैच नहीं हरा सकती, बेशक इंडिया की ए टीम हो, बेशक बी टीम हो। मतलब क्या है बंदा है यार, वो अच्छा भला वाइट वॉश कर रहे हैं। अच्छा भली मीम्स लगनी थी कि 5 out of 0 एंड ऑस्ट्रेलिया द 6th वर्ल्ड कप टेकर इज दिस फ्रॉम द इंडियन बी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। इंडिया ने आज का मैच जीत के सीरीज अपने नाम कर लिया, लेकिन टारगेट इतना बड़ा नहीं था जैसे पहला था, 174 का टारगेट था, जीतना इसने था, वर्ल्ड कप भी उसका ही था, वो गलती से जीत गए हैं यार, ऑस्ट्रेलिया वाले गलती से जीत गए हैं यार। मैक्सवेल को पहले चपेरे मारो, चंगा पला वाइट वॉश होना था, एनएमी ओ भाई पक्की पकाई होना देखी रे बीच में को तो बादाम चुक के खा गया। देखें जिस चीज से इंडिया मशहूर है आज उन्होंने साबित की है। देखें पहले ये भी कहा जाता था कि अगर इंडिया 105 भी कर लेना और टेस्ट मैच हो वो भी इंडिया जीत जाएगा, तो ये तो फिर T20 है। तो लेकिन स्कोर देखा जाए 174 का टारगेट मिला हमें, यह था कि यार इजीली कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया के लिए इतने को मुश्किल तो नहीं होगी। लेकिन जैसे वो 3 ओवर में 40 रन जब किए ना ऑस्ट्रेलिया ने, दिलों की धड़कनें तेज हुई यार, आज इंडिया फिर गया यार। हम तो इतना मसेंगे, हम शौकीन जो देखने वाले हैं इंडिया को, वो तो कहते हैं ना कि हर दफा जीते इंडिया ही जीते, तो लेकिन जैसे टर्न ओवर उन्होंने मैच किया, मैं कहता हूँ कमाल का। इंडिया ने हमेशा से अटैक किया, जैसा कि आपने देखा होगा पहले हमें लग रहा था कि इनकी बैटिंग आज अच्छी नहीं चली, 175 का टारगेट बहुत कम है, तो शायद बड़ा इजी से जो है ना इंडिया मैच हार जाएगा। लेकिन इंडिया ने आज ये साबित कर दिया कि हम बेशक बैटिंग पे अटैक करें, बेशक बॉलिंग पे अटैक करें, या हम फील्डिंग पे अटैक करके हम मैच विन करना जानते हैं। तो आज उन्होंने मैच विन करके सीरीज अपने नाम करके तो बड़ी अच्छी खुशी का जो है ना मौका हमें इनायत किया है। मतलब क्या है बंदा है यार, वो अच्छा भला वाइट वॉश कर रहे हैं। अच्छा भली मीम्स लगनी थी कि 5 out of 0 एंड ऑस्ट्रेलिया द 6th वर्ल्ड कप टेकर इज दिस फ्रॉम द इंडियन बी टीम। लेकिन यार क्या कहूँ मैक्सवेल को यार, क्या कहूँ यार, तेरा काम बनता सी चंगा, कार निकल गया ना परसों, उन्होंने ना छेर के जाना, उन्होंने तेन नहीं छना पाई तेरी रिटायरमेंट तक, नहीं छोड़ेंगे। तो आज की बैटिंग बॉलिंग कैसी लगी आपको? गायकवाल रिंकू सिंह ना दे नाम भूल जाने ने परफॉर्मेंस नहीं भूलती यार, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल यार। बॉलिंग में फिर अक्षर पटेल और वो बिश्नोई है यार, क्या बन रहे हैं यार, क्या बन रहे हैं। मैनू तो लग रहा पता नहीं कभी गेंद ना एक तो प्लास्टिक दी होंगी, तो एक तो लैदर की जेरी कुछ ज्यादा घूमती है। तो मतलब कि उनके ऑटो बॉर्डर खा गए थे दोनों बैट्समैन बॉलर ये यार, वो मैं निकल गए बस छोड़ दो यार, जो उन्होंने इंडिया ने किया ना बयान नहीं कर सकते। मजा है मैच का, तो देखे ना जैसे बॉलिंग की है, आप देखे बिश्नोई ने बॉलिंग की, अक्षर पटेल ने की, उसके बाद चाहर ने भी आउट की है, लाइक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग हो गई है। नहीं जैसे आज बॉलिंग हमें पिछले 3 मैचेस में नहीं दिखी, ठीक है, अगर पहले T20 की बात करें तो 208 रन बॉलिंग साइड में इन्होंने फर्स्ट टाइम खाए हैं, उसके बाद बात की जाए तीसरे T20 की, वो भी मैच हारे अपनी बॉलिंग साइड की वजह से। लेकिन आज उन्होंने कहा यार नहीं बड़ी होगी हमें, रोज जुमेरादरी होती तो कह लेंगे। उन्होंने आज जैसे उन्होंने अपने आप में चेंजेस लेके आए, ये बहुत बेहतर है, ये इनके लिए, ये मैच के लिए नहीं है, आगे T20 वर्ल्ड कप आना है तो उसके लिए भी इनके लिए कह लें प्लस पॉइंट है कि ये जो बॉलिंग अटैक है ना इस टाइम कह सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में खतरनाक साबित हो सकता है। सर क्या इंडिया की ये जूनियर टीम के आने से इनकी सीनियर टीम के ऊपर जो प्रेशर था वो खत्म नहीं हो गया? नहीं जाहिर बात है वो खत्म हुआ है, जैसे आप देखें रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ये कर रहे हैं बैक अपने आप को कर रहे हैं, न्यू टैलेंट को सामने ला रहे हैं, तो थोड़ा बहुत था कि यार लोगों में कि यार शायद नए प्लेयर्स इतना अच्छा ना खेल पाए, लेकिन प्लस पॉइंट जिनके पास IPL क्रिकेट उनकी लीग उनके मुल्क में चल रही है, तो कैसे आप कह सकते हैं यार उनके प्लेयर आउट क्लास ना निकलें। देखें इनके पास प्लेयर जो शुरू में आए हैं, सचिन तेंदुलकर आए हैं, देखें 16 साल के एज में आए वो, बिल्कुल उन्होंने एंड तक खेले, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बनाए। विराट कोहली अगर बात की जाए वो भी 16 साल की एज में है, तो इनके पास जो भी यूथ आती है ना वो कह लें कहीं ना कहीं कभी ना कभी रिकॉर्ड जरूर बना के जाती है। तो इंडिया के पास इतनी अचीवमेंट है, अभी भी जो रिंकू सिंह, इनके अगर प्लेयर की बात की जाए रिंकू सिंह है, अगर बात की जाए कैप्टनसी के सूर्य कुमार यादव की, आउट क्लास यार, बड़े लोग ट्रोल कर रहे हैं यार नहीं सही चल रहे, लेकिन मैं अगर ओवर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ उनकी, अगर यूथ की, अगर न्यू टैलेंट जो लाए हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस इनके पास है नहीं, कोई प्लेयर ऐसे कोई है नहीं, ईशान किशन है वो भी पुराना है तकरीबन, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन न्यू टैलेंट है, तो उस टीम को संभाल रहे हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी ए क्लास टीम के सामने, मैं कहता हूँ मज़ा आया। और लेकिन जो आज
चौथा T20 जीते हैं आपको आज हमने गोल्ड मान लिया है, क्रिकेट का हमने गोल्ड आपको मान लिया, इंडिया गोल्ड ऑफ क्रिकेट का है इस टाइम, आप माने अब पूरा कर रहा था यार उनकी बीती मैया, उन्होंने भी मुंह तोड़े हैं, छक्के भी लगाए हैं पर बॉलिंग तो उनकी आउटस्टैंडिंग गई है। बैटिंग किसकी अच्छी लगी है आपको? बैटिंग मुझे बॉलिंग अच्छी लगी है, रिंकू सिंह ने घुमा घुमा के छक्के मारे। फेवरेट आपका रिंकू सिंह? हाँ जी रिंकू सिंह मेरा फेवरेट है, वो गलती से यार जीत गए हैं वर्ल्ड कप, पक्की बात है कोई ना कोई उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है वर्ल्ड कप जीतने की, उनको तो यार शर्म है आए नहीं वर्ल्ड कप के ऊपर, इतना पांव रख के बैठे हैं, इतने लोग इसके लिए रोए हैं। पे शायद उन्होंने 47 के करीब रन्स बनाए हैं और 50 के करीब पहुंचे हैं और बहुत फास्ट खेले हैं वो, ठीक है। अगर आप इन सितारों की बात करें तो ये वही सितारे हैं जो आगे जो है ना ट्रॉफी जीते हुए नजर आएंगे, वर्ल्ड कप जीते हुए नजर आएंगे, इनके ऊपर मेहनत की जा रही है, स्ट्रगल सिर्फ इसलिए की जा रही है। अब जैसा कि आपने देखा कि साउथ अफ्रीका के लिए भी मतलब कि टीम अनाउंस कर दी गई है, उसी में भी सूर्या को कैप्टनसी दी गई है, यहाँ से अंदाज़ा होता है इंडिया की इस वक्त कैप्टनसी बहुत अच्छी जा रही है, बैटिंग बॉलिंग सब बहुत अच्छी जा रही है। मुझे ये लगता है कि इंडिया के आगे अब कोई भी टीम खड़ी हो जाए, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान, कोई भी हो, इंडिया को मैच नहीं हरा सकती, बेशक इंडिया की ए टीम हो, बेशक बी टीम हो।